अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की इस शॉर्ट सी वीडियो में हम दो टर्म्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें जो पहली टर्म है वो है पैलेट और दूसरी जो टर्म है वो है सुपरनेटेंट। अब बात की जाए कि पैलेट क्या चीज़ है और उसके साथ सुपरनेटेंट क्या है, तो उसको पहले हम पैलेट की डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम सुपरनेटेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो पैलेट क्या चीज़ होती है? हमारे पास ऐसा कंटेंट होता है जो जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं उसमें वो ट्यूब के जो है बिल्कुल बॉटम के ऊपर बैठ जाता है। जैसे ये मैं जहाँ पे मार्कर से आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब के ये बॉटम के ऊपर जो है ये जो कंटेंट बैठ जाता है इसको हम कहते हैं पैलेट। जबकि दूसरा जो सुपरनेटेंट है, सुपरनेटेंट हमारे पास ऐसा कंटेंट होता है जो सस्पेंडेड होता है। सस्पेंडेड का मतलब ये होगा यहाँ पे कि जो पैलेट नीचे जो चीज़ बैठ की इस बैठने के सब्सटेंसेस के ऊपर जो चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रही है इसको हम सुपरनेटेंट का नाम देते हैं। अब ये वाला जो प्रोसेस है ये किया किस में जाता है? ये सेंट्रीफ्यूगेशन जो है प्रोसेस है और इसमें सेंट्रीफ्यूज मशीन इन्वॉल्व होती है। अब सेंट्रीफ्यूज मशीन जो है वो इस प्रोसेस को कंटिन्यू करती है। उसमें हम एक ख़ास ट्यूब के अंदर हम मटेरियल डालते हैं, चाहे वो किसी प्लांट का भी हो सकता है, यानी कोई टिश्यू हो सकता है, कुछ ऑर्गेनेल्स हो सकती हैं, वो सेल का कोई पार्ट हो सकता है। तो इस तरीके से हम उसको क्या करते हैं, सेपरेट करके जो सुपरनेटेंट होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं और पैलेट को हम वहाँ से ले लेते हैं। और सुपरनेटेंट से दोबारा से अगर हमें कोई चीज़ चाहिए होती है तो फिर उसको दोबारा से नेक्स्ट टाइम पे फिर हम सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालेंगे और फिर दोबारा से ये वाला साइकिल जो है दोबारा से हम रिपीट करेंगे।